सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट इज अ important topic not only for automobile but for other refrigeration cycles also. So in our previous classes we have completed our introduction, loads, air conditioning system, its component and working also. Okay, so as you can see this diagram, in our last class we have discussed this. यदि आपने class attend नहीं करी हो तो आप last video देख सकते हैं और उसमें ये देख सकते हैं कि किस तरह से work करता है, इसके components कौन कौन से हैं। तो ये air conditioning system हमने discuss किया था। Similarly last time पे हम लोगों ने desirable properties of refrigerant discuss किया था और फोर मेजर कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमने इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो में, तो ये डिटेल्स आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेफ्रिजरेंट पोर्शन। तो देखिए रेफ्रिजरेंट्स जो हम यूज करते हैं वो बहुत वाइड वैरायटी में अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड और उनके बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो हम सबको तो कवर नहीं कर सकते बट मेजरली हम जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं और जो कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं रेफ्रिजरेंट्स के जिनके बेसिस पे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। यदि हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो हम बता सकते हैं कि दो तरह के रेफ्रिजरेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला कहलाता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स आर दोज व्हिच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन। इफ द रेफ्रिजरेशन इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली इन द स्पेस टू बी रेफ्रिजरेटेड एंड देयर इज नो डेंजर्स ऑफ पॉसिबल हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स देन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली, आप यहां पर राइट साइड में एक डायग्राम देख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या होते हैं आपके इवोपरेटर में जाते हैं और उसके टच में आते हैं और वो आगे होकर के वापस साइकिल को कवर करते हैं। तो ये वो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि सेफ होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर फूड एंड अदर स्टफ्स। तो हम उन्हीं रेफ्रिजरेंट्स को प्राइमरी साइकिल में यूज करते हैं जो हमें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सब एक लूप के अंदर, एक साइकिल के अंदर है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यदि बाई चांस यहाँ से लीकेज होता है तो उससे हमको कितना खतरा है। तो यदि हमको उससे लाइफ का खतरा है या हमारे फूड प्रोडक्ट्स को पॉइजनस होने का खतरा है या फ्लेम कैच करने का खतरा है तो हम उनको यूज नहीं करेंगे। जो सेफ रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर रन कराएंगे और ये साइकिल हमें कंप्लीट करेगी। ये वही साइकिल है जो एयर कंडीशनिंग साइकिल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स ही इनके अंदर में यूज होते हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी लेस हार्मफुल टू अस। द रेफ्रिजरेंट्स यूज इन होम रेफ्रिजरेटर्स लाइक फ्रियॉन 12 आर प्राइमरीली रेफ्रिजरेंट्स। अदर रेफ्रिजरेंट्स लाइक अमोनिया, R12, R22, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये जो है रेफ्रिजरेंट्स हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से यदि हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स की बात करें, दे मे बी सर्टेन सिचुएशंस इन विच वी कैन नॉट अलाउ द रेफ्रिजरेंट्स टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आइटम बीइंग रेफ्रिजरेटेड। तो जो भी आइटम को हम रेफ्रिजरेट कर रहे हैं या कंडीशन कर रहे हैं उसकी कॉन्टेक्ट में हम नहीं चाहते कि वो रेफ्रिजरेंट्स आए, एंड देन द रेफ्रिजरेंट यूज टर्म्ड एज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। तो इस तरह की जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। For example, we cannot allow a toxic refrigerant to be used for air conditioning in residence building. तो देखिए जहाँ पर हमारी residence building है, mall है, cinema घर है, we cannot allow such toxic refrigerants. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, आप right side में diagram देख रहे हैं। तो primary के अंदर में तो हम क्या करते हैं, primary refrigerants यहाँ पर flow करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो toxic है उनको हम यहाँ पर use कर रहे हैं primary circuit के अंदर। और जो secondary आप देख रहे हैं circuit, यहाँ पर नीचे वाला जो circuit है यहाँ पर हम कुछ और solution काम में लेते हैं जो कि यहाँ से ठंडक लेकर के, यहाँ से चिलिंग इफेक्ट लेकर के वो क्या करते हैं, अपनी स्पेस को ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिजायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पर कूल्ड जैकेट में मिल रहा है यहाँ पर, न कि ये डिजायर्ड नहीं है, ये सिर्फ हीट एक्सचेंजर है। जहाँ पर ये जो चीज आप देख रहे हैं या टॉक्सिक जो रेफ्रिजरेंट्स है वो फ्लो हो रहे हैं प्राइमरी में, और जो सेकेंडरी में वो सेफ रेफ्रिजरेंट्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, हम लोग इस तरह के जहाँ पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन आता है वहां पर हम उसको यूज करते हैं। There are some refrigerants which are highly inflammable and so their direct use is forbidden for safe reasons. तो सिर्फ poisonous ही नहीं है, toxicity ये कारण नहीं है, flammability भी ये कारण है कि यदि उनमें आग बहुत तेजी से लग सकती है तो भी हम उनको avoid करते हैं कि वो हमारे जो भी cooling zone है वहाँ तक आए, हम उसके लिए primary circuit में ही रखते हैं और वहाँ से दूसरा solution लेते हैं secondary के लिए। Again it may so happen that if direct refrigeration such as in cooling a big cold storage is
allowed, then the amount of refrigerant required may be so large that it costs become prohibitive high. तो देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ हम दो ही कारण से ले रहे हैं. तीसरा कारण ये है कि कई बार रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो हमें बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और उस पर्टिकुलर चीज को ठंडा करने के लिए. लेकिन यदि हम मान लीजिए कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट काम में ले लें जो कि टॉक्सिक है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उस टॉक्सिक, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, उसकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए, और यदि कम क्वांटिटी का रेफ्रिजरेंट ज्यादा ठंडक दे सकता है तो आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, यानी कि टोटल इफिशियंसी बढ़ जाएगी. तो लेकिन सिर्फ टॉक्सिक था, फ्लेमेबल था, इसलिए हम उसको नहीं ले पा रहे थे. तो ऐसे केस में भी हम लोग उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी में रखते हैं टॉक्सिक को, और सेकेंडरी में हम सेफ रेफ्रिजरेंट्स को काम में लेते हैं. ओके, दीज आर सम टिपिकल सिचुएशंस फॉर विच वी फेवर द यूज ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स. वाटर ब्राइन सॉल्यूशंस आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच रेफ्रिजरेंट्स. तो आपने सुन रखा है कि सिंपल मान लीजिए पानी है या फिर ब्राइन सॉल्यूशन है, उनको हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में काम में लेते हैं. यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल दें तो आप सबने देखा होगा आइस फैक्ट्रीज, जो बर्फ बनती है जहां पर, वहां पर क्या होता है आपके पास जो ठंडक होती है, जो बर्फ बनती है, वो वहां पर ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और डिक्रीज हो जाता है, -4 -5 तक चला जाता है. और उससे क्या होता है आपके पास जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो तो अपनी साइकिल पूरी कर रहा है, और उससे ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा होकर के क्या कर रहा है आपकी आइस के नजदीक में चल रहा है. क्योंकि बाय चांस यदि मान लीजिए यहाँ पर लीकेज होता भी है तो सिर्फ क्या होगा ब्राइन सॉल्यूशन के वो टच में आएगा, न कि पॉइजनस जो आपके पास में रेफ्रिजरेंट है उसके टच में आएगा. तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स को काम में लेते हैं. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. यदि हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखें, इट इज बेस्ड ऑन सेफ्टी कंसिडरेशन. तो सेफ्टी की टर्म्स में हम देखें तो तीन अलग अलग कैटेगरीज हम देख सकते हैं. फर्स्ट इज सेफ रेफ्रिजरेंट्स. तो हम सेफ रेफ्रिजरेंट्स की कैटेगरी में किनको देखते हैं, दीज आर द नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स सच एज R11, R12, R13, R14, 21, 22, 113, 114. सो ऑल दीज आर नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स. मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल दीज कम्स अंडर सेफ रेफ्रिजरेंट्स. ठीक है, तो ये हम लोग उसकी कैटेगरी में लेते हैं. सिमिलरली यदि हम बात करें टॉक्सिक एंड मॉडरेटली फ्लेमेबल जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो कौन से हैं, जो कि पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं प्लस मॉडरेटली है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ फ्लेमेबल हैं. सो दे आर डाइक्लोरोइथेलीन, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल अल्कोहल, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे जो रेफ्रिजरेंट्स हम लेते हैं इनको हम बोलते हैं टॉक्सिक और मॉडरेटली फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स. ठीक है, इसी तरीके से यदि हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, दे आर हाईली फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स. तो बहुत तेजी से आग पकड़ सकते हैं. तो दीज रेफ्रिजरेंट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी आर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, मीथेन, इथाइलीन, ये सारे ऐसे रेफ्रिजरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फायर कैची होते हैं. तो इनको बहुत हम लोग ध्यान से काम में लेते हैं और इनके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट काम में लें जिससे कि हम इसको डायरेक्टली किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं लाएँ. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. तो ये बहुत वाइड वेराइटी है कि केमिकली हम बात करें तो बहुत डिफरेंट कंपोजिशन हमें देखने को मिलेंगे. तो उसमें से कुछ कैटेगरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज हैलोकार्बन. हैलोकार्बन कंपाउंड्स, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन इथेन और मीथेन विथ हाइड्रोजन. और किससे रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आर कॉल्ड फ्लोरोकार्बन. तो हम क्या करते हैं, यदि आपने मीथेन देखा होगा CH4 या फिर इथेन देखा होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसको, एक या दो हाइड्रोजन्स को हम क्या करते हैं वहां से रिप्लेस करते हैं बाय चेंजिंग क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन को हम उसमें अटैच करते हैं. तो यहाँ पर आप राइट साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये सिंपल CH4 था जिसके अंदर में से हमने एक बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन के क्लोरीन जोड़ दिया. ठीक है, सो इट बिकम्स अ रेफ्रिजरेंट. इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन है और बाकी तीन एटम्स हाइड्रोजन के हैं. तो इस तरह से हम लोग जब कॉम्बिनेशन करते हैं दे आर कॉल्ड हैलोकार्बन्स. हैलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स आर ऑल सिंथेटिकली प्रोड्यूस एंड वर डेवलप्ड एज द फ्रियॉन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट. तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैलोकार्बन्स होते हैं ये सारी फ्रियॉन फैमिली के रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं. नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव, नॉन कोरोसिव, नॉन इरेंट टू ह्यूमन बॉडी एंड आईज, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस. तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक थी, अभी हम डिस्कस करेंगे, इस वजह से हमने इसको यूज करना कम किया है. वरना ये बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत वाइडली इनको काफी समय तक हमने यूज किया क्योंकि टॉक्सिक नहीं थे ये, फ्लेम इसमें कैच नहीं होती थी, एक्सप्लोजन नहीं होता था, कोरोसिव नहीं थे और किसी तरह से ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट नहीं करते थे, आईज को अफेक्ट नहीं करते थे, कोई स्मेल नहीं आती थी, कलरलेस होते थे. ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं. विल नॉट रिएक्ट विद फूड प्रोडक्ट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटेड प्लेस. तो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि किसी तरह से टॉक्सिसिटी नहीं था इसके अंदर में. तो हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशन में इसको बहुत यूज किया है.
विल नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो इस बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जब वो कंप्रेसर में जाता है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल के टच में आ सकता है, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है ऑयल्स के साथ. हैज एक्सीलेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हम बोलेंगे सीओपी के लिए या फिर आप बोल सकते हैं इफिशियंसी के लिए. तो ये बहुत अच्छे रेफ्रिजरेंट्स है. ओनली डिसएडवांटेज इज ओजोन लेयर डैमेज. तो ये आप सबने सुना होगा कि ये एक अकेला ऐसा कारण था जिसकी वजह से हमने फ्रियॉन्स को यूज बहुत कम कर दिया, बिकॉज इससे हमारी ओजोन डिप्लीशन हुई थी 1994 में. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है. तो यदि हम हेलोकार्बन्स के एग्जांपल्स की बात करें तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिसमें 8, 11, 12, 113, 114 ये सब कैटेगरीज आती हैं. इसी तरह से एससीएफसी आते हैं आपके पास, R22, R123, और इसी तरह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं आपके पास में R134A, R404A, 407C, 410A. इसमें से अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था R134A बहुत वाइडली हम लोग यूज कर रहे हैं इन करंट सिनेरियोस. तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाया है कि जैसे जैसे हमने बात करी थी हाइड्रोजन एटम्स उसमें ऑलरेडी होते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से या फ्लोरीन से. तो देखिए जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन जैसे ज्यादा होगी तो हमारा फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी हाइड्रोजन बहुत जलता तेज है, ज्वलनशील होता है, तो हाईली फ्लेमेबल है. इसलिए यदि हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो बहुत फ्लेमेबल होगा. यदि क्लोरीन हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है. आप क्लोरीन के जितने एटम ऐड करेंगे वो ज्यादा टॉक्सिक होता जाएगा, ठीक है. और सीएफसी बहुत स्टेबल माने जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सीएफसी को ज्यादा इसमें प्रीफर करते हैं, ठीक है. और ये जो बीच का जोन है वहां पर चारों चीजें हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, ठीक है. तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है. तो ये जो अभी हमने फ्रियॉन पढ़ा इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं. मोस्ट वाइडली यूज इन डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल रेफ्रिजरेंट्स एंड आइसक्रीम कैबिनेट्स, डिस्प्ले कैबिनेट्स, डीप फ्रीजर्स. तो आपने ये सब देखे कॉमर्शियली, मिठाई की दुकान में भी देखे होंगे और बेकर्स के पास में भी देखे होंगे. वहां पर जो यूज होता है वहां पर बहुत वाइडली फ्रियॉन यूज होता है. इट इज वेरी वाइडली यूज कलरलेस गैस विथ माइल्ड ऑडर. तो बहुत कम हल्की सी स्मेल आती है इसके अंदर में. इट इज हैवियर देन एयर. देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा. तो फ्रियॉन इज हैवियर देन एयर, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 0.0025% बाय वेट, ठीक है. तो इससे ज्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज अबाउट 1.5 टाइम्स दैट ऑफ फ्रियॉन 12, ठीक है. तो जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो अमोनिया का ज्यादा है, लेकिन ऐसा जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पर क्या है, जो अमोनिया है थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम उसको प्रीफर कम करते हैं. इट डज नॉट रिएक्ट विद फेरस मेटल्स, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हम एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेटल बॉडीज आती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसको होस पाइप से भेजते हैं, कभी हम उसको मोटर पे भेजते हैं, कभी हम उसको कंप्रेसर में भेजते हैं, कभी हम ट्यूब्स में भेजते हैं, तो वो इससे रिएक्ट नहीं होती है, स्पेशली मेटल जो एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, ब्रॉन्ज इनसे. इट अटैक्स कॉपर, कॉपर एलॉय, जिंक एंड ब्रॉन्ज एंड डिजॉल्व्स इन वाटर. तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये कॉपर के साथ बहुत रिएक्टिव है, या कॉपर के एलॉय कह लीजिए. इसी तरह से जिंक एंड ब्रॉन्ज के साथ भी ये काफी रिएक्टिव है, बट इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वॉटर, फ्रियॉन, ओके. इट डज नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. तो यदि मॉइस्चर नहीं होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ. लेकिन मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेगा, ऑक्साइड्स देम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. तो यदि वाटर वेपर है तो फिर वो ऑक्साइड बनाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रियॉन 12, ओके. देन वी हैव डिफरेंट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है. तो दिस ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स विच कैन नॉट सेपरेट अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड हैव फिक्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. तो हम क्या करते हैं, अकेले एक रेफ्रिजरेंट से हमें कई बार आउटकम नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको देखनी होती हैं, कि उसका वेपर प्रेशर कैसा है, कंडेंसर प्रेशर कैसा है, इवोपरेटर प्रेशर कैसा है, ठीक है. तो हमें कई बार क्या होता है कि हमारा एक रेफ्रिजरेंट अकेला उस चीज को पूरा नहीं कर रहा होता है. कुछ प्रॉपर्टी हमें एक रेफ्रिजरेंट में अच्छी मिलती है, तो कुछ प्रॉपर्टी हमें दूसरे रेफ्रिजरेंट में अच्छी मिलती है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एजोट्रॉप्स में वी विल टेक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है. लेकिन उनकी खास बात ये होती है कि एट डिफरेंट जो प्रेशर एंड टेम्परेचर की रेंज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका रेफ्रिजरेंट पूरी साइकिल के अंदर में एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पे काम करेगा. हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि कई जगह टेम्परेचर हाई हो जाता है और कई जगह पे प्रेशर हाई हो जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे बिहेवियर अलग अलग करें.
तो एज़ोट्रॉप्स की बहुत अच्छी बात यह है कि दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिक्स रहती है ऑन वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉम्बिनेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अ स्टेबल मिक्सचर ऑफ टू और सेवरल रेफ्रिजरेंट्स हुज वेपर एंड लिक्विड फेज रिटेन्स आइडेंटिकल कंपोजिशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो हम उन्हीं को ऐड करते हैं जिनका वेपर एंड लिक्विड फेज जो है वो आइडेंटिकल रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी लंबी रेंजेस तक, किसके टेम्परेचर की, ठीक है. तो एज़ोट्रॉप मिक्सचर्स आर डेजिग्नेटेड बाय 500 सीरीज. तो आप देखेंगे जो भी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं उनके नाम क्या आ गया आपको, 500 या 5 कुछ नंबरिंग आपको देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेक अबाउट R500, यदि हम R500 रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर में एक कॉम्बिनेशन है, इट इज 73.8% R12 एंड 26.2% R152. तो ये दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है. इसी तरह से R502 की बात करें तो 8.8% जो है इसके अंदर में वो है R12 है ये, एंड दिस इज 51.2% R115 है. ओके, इसी तरह से यदि हम बात करें R503 की तो 40.1% इसमें R23 एंड 59.9% R13 है. सो यू कैन सी दैट दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेफ्रिजरेंट्स. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एज़ोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट्स. सिमिलरली देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ज़ीट्रोफिक रेफ्रिजरेंट्स. तो ज़ीट्रोफिक रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वन हूज कंपोजिशन इन लिक्विड फेज डिफर टू दैट ऑफ वेपर फेज. ज़ीट्रोफिक refrigerant therefore do not boil at constant temperatures unlike azeotropic refrigerant. So, बहुत important बात क्या है कि देखिए इसमें जो combination है ये retain नहीं करता over a period of time. हमने last time में बात की pressure और temperature पे range पर, वो दोनों एक जैसे behavior करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है one composition in liquid phase and दूसरा जो composition है वो vapor phase में रह सकता है. तो ये इसके अंदर में important है. दूसरी बात है they do not boil at constant temperatures. तो इन दोनों का जो दो अलग अलग refrigerant ले रहे हैं तो दोनों का जो आपके पास कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर में. तो इट इज वन ऑफ द रीजन कि ये दोनों अलाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है. ज़ीट्रोपिक रेफ्रिजरेंट्स एग्जांपल एज़ीट्रोपिक मिक्सचर्स आर डेजिग्नेटेड बाय 400 सीरीज. तो जो भी ज़ीट्रोपिक रेफ्रिजरेंट्स हैं उसको आप देखेंगे उसके नंबर में आपको 4 पहले नजर आएगा और आगे कुछ नंबर्स आपको सीरीज दिखेगी. फॉर एग्जांपल इफ यू विल लुक एट R407C, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन है R32 और R125 प्लस R134. तो इसमें यहाँ पर आपको दिखा रखा है 23%, 25% एंड 52% बाय वॉल्यूम, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया हुआ है. इसी तरह से 410A, R32, R125 का कॉम्बिनेशन है 50-50 में. इसी तरीके से आप देखेंगे R413A और इसमें है R600A और R218 प्लस R134A. तो ये R134A बहुत कॉमनली यूज हो रहा है आज की डेट में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया. तो यहाँ पर आप देखेंगे 88% लगभग 134A है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए 600 और 218 को भी इसमें ऐड किया हुआ है. ओके, सो दिस इज अबाउट ज़ीट्रोफिक रेफ्रिजरेंट्स. नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज हाइड्रोकार्बन्स. मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स आर सक्सेसफुली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलेशंस. दे पजेस सेटिस्फैक्ट्री थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बट हाईली फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव. तो अभी अभी हमने बात करी थी कि यदि हमारे पास बहुत हाईली फ्लेमेबल है या एक्सप्लोसिव है तो हम उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लाते हैं, किसके, ह्यूमन बींग के या फिर हमारे फूड मटेरियल्स के, ठीक है. तो कॉमर्शियल यूज के लिए, लेकिन ये सस्ते पड़ते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, तो ज्यादातर इंडस्ट्री और कॉमर्शलाइजेशन में हम इस तरह के चीजों को यूज करते हैं. और यदि वो डायरेक्ट टच में आ रहा है तो हम वहां पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करके और उसको ठंडा कर लेते हैं बाई यूजिंग दिस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट. तो हाइड्रोकार्बन इसलिए हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस में लेते हैं. ग्रोइंग यूज इन वेरी स्मॉल कमर्शियल सिस्टम्स लाइक कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम. तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल कमर्शियल सिस्टम, जो छोटे छोटे कमर्शियल सिस्टम्स हैं कार्स वगैरह में, इनको हम लोग धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं. ओके, यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो R170 इज अंडर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इथेन C2H6 होता है इसका. इसी तरह से R290 ये प्रोपेन C3H3 है. इसी तरह से R600 ब्यूटेन C4H10 है. इसी तरह से एक और इसी के अंदर एडवांसमेंट है, दैट इज R600A, दिस इज आइसोब्यूटेन, इट्स नॉट नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है. इसी तरह से ब्लेंड्स और अबाव गैसेस, तो इनमें हम क्या करते हैं, कुछ मिक्सचर्स भी काम में ले सकते हैं ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स. तो दीज आर ऑल्सो एक्टिंग एज ए रेफ्रिजरेंट्स. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स. तो देखिए केमिकली हम देखें तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को भी हम काम में लेते हैं. इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स वर एक्सक्लूसिवली यूज्ड बिफोर द
इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोकार्बन्स। तो हम लोग जब हैलोकार्बन्स नहीं आए थे उससे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स ही काम में लेते थे, जो नेचुरली हम लोग देख रहे हैं। दीज रेफ्रिजरेंट्स आर स्टिल इन यूज ड्यू टू देयर इनहेरेंट थर्मोडायनेमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आज भी क्या यूनिक है जो हमें हाइड्रोकार्बन्स या फिर दूसरे केमिकल जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स है उसमें नहीं मिलती। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, आज भी कई इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को काम में लेते हैं। तो कौन कौन से इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इजीली अवेलेबल और हम लोग इसको बहुत जगह पे इसको काम में लेते हैं, वाटर, अमोनिया, एयर, सल्फर ऑक्साइड। तो ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनको हम लोग आज भी काम में लेते हैं। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इस इनऑर्गेनिक में से, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है नॉन फ्लेमेबल। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आग नहीं पकड़ती है, नॉन टॉक्सिक है, ये जहरीली बिल्कुल नहीं होती है, इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने कूलिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इट्स हाई ऑपरेटिंग प्रेशर प्रोवाइड्स पोटेंशियल फॉर सिस्टम साइज एंड वेट रिड्यूस पोटेंशियल्स। तो इससे क्या फायदा होता है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम साइज जो है वो आपको रिड्यूस कर सकते हो, आप वेट कम कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ओवरऑल जो पूरा इक्विपमेंट साइज है वो आप रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ड्रॉबैक क्या है इसका, ऑपरेटिंग प्रेशर हाई साइड इज 80 bar। ठीक है, तो हाई साइड का जो प्रेशर है वो क्या है, तो आपको 80 बार तक का जाता है। इसी तरह से लो इफिशियंसी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट कैरी मच हीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ये एक दूसरा इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो अभी हमने बात करी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की, तो उसमें था दूसरा अमोनिया, दैट इज R717। ठीक है, NH3 जो था, यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज मेनली इन कोल्ड स्टोर्ड एंड आइस प्लांट्स। तो इसमें हम लोग अमोनिया काफी काम में लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पर हम लोग इसको काफी काम में लेते हैं। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ NH3 इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज -33°C। तो बहुत कम टेम्परेचर पर ये बॉइल हो जाता है एंड मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम सॉलिड इज 780°C। ठीक है, द लो बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव रेफ्रिजरेशन कंसिडरेबली बिलो 0°C विदाउट यूजिंग प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक इन इवोपरेटर। तो देखिए, आप इवोपरेटर का हायर प्रेशर रख सकते हैं किससे, एटमॉस्फेयर से, वहां पर भी आप इसको इजीली काम में ले सकते हैं अमोनिया को फॉर योर रेफ्रिजरेशन पर्पस। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज -150°C इज 1315 यानी 1315 किलो जूल पर केजी। काफी अच्छी लेटेंट हीट ये कवर कर सकता है एट -150°C पे। इट इज कलरलेस गैस विद शार्प पिंजेंट स्मेल। तो तीखी स्मेल आती है इसमें, लेकिन इसका जो कलर है वो कलरलेस है। हैज गुड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इट इज न्यूट्रल टू ऑल मेटल्स, हाईली सॉल्युबल इन ऑयल। ठीक है, तो इसकी एक ड्रॉबैक क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑयल के अंदर अमोनिया। वॉलेटाइल एंड नॉन टॉक्सिक बट इन हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, वॉलेटाइल और नॉन टॉक्सिक है, लेकिन यदि कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये वॉलेटाइल भी हो सकता है और टॉक्सिक भी हो सकता है यदि हम ज्यादा क्वांटिटी में इसको इकट्ठा करते हैं तो। ओके, सो दीज आर अबाउट अमोनिया फीचर्स। नाउ यदि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, ये भी आपके पास में इनऑर्गेनिक है। तो प्रीवियसली यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स, तो बहुत ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर्स थे घरेलू उनमें यूज किया जाता था पहले सल्फर डाइऑक्साइड। टॉक्सिक, नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन फ्लेमेबल, नॉन कोरोसिव। तो इसकी खराब बात क्या है कि ये टॉक्सिक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन एक्सप्लोसिव बिल्कुल नहीं है, फ्लेमेबल बिल्कुल नहीं है और कोरोसिव नहीं है। ओके, इरिटेंट टू ह्यूमन बॉडीज। तो ये देखेंगे आपकी ये क्या इरिटेट करता है ह्यूमन बॉडी को सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से नॉन मिक्सेबल विद ऑयल, तो ऑयल में बिल्कुल मिक्स नहीं होता है। एंड हैज पिंजेंट ऑर्डर एंड लो लेटेंट हीट वैल्यू। तो जो आपके पास में खुश बदबू है कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा तीखी है, प्लस इसकी लेटेंट हीट भी जो है वो कम होती है, तो ये ज़्यादा अपने साथ हीट को कैरी नहीं करके ले जाता है। ठीक है, सो दीज आर अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट। यदि हम बात करें जो कॉमनली यूज ऑटोमेटिव रेफ्रिजरेंट्स हैं, तो हमने लास्ट सेशन में भी इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया था कि जो पहले के टाइम में हम लोग R12 को सबसे ज़्यादा काम में लेते थे। ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन को हम बहुत काम में लेते थे, दैट इज फ्रियॉन। और उसके बाद क्या हुआ, 1994 में जब ओजोन डिप्लीशन हुआ तो हमने प्लस काफ़ी सारी कंट्रीज ने इनको बैन कर दिया यूज़ करना। उसके बाद जो काम में लिया जा रहा है आज दिनांक तक, यानी आज करंटली, दैट इज R134a, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। और ये आज की डेट में ज़्यादातर गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर इज चेंजिंग। आने वाले टाइम में हम लोग जो जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं R1234YF, यानी हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोफीन। तो HFO जो है अब वो नई गाड़ियों में आ रहा है, जैसा हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था, मोर देन 70% किया कार्स आर यूजिंग दिस। और इसकी खास बात क्या है, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके बहुत छोटे छोटे ब्रेकडाउन हो जाता है टुकड़ों में, तो उससे क्या है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड का काम करता है इन कंपेयर टू 134A।
ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है जिसकी वजह से धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट्स क्या हो रहे हैं फ्यूचर में 1, 2, 3, 4 YF की तरफ में जा रहे हैं, सारी गाड़ियां इनको यूज कर रही हैं। ओके, सो ये बात थी अपने रेफ्रिजरेंट्स की डिफरेंट कैटेगरी के बारे में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अलग अलग नंबर्स यूज किए जाते हैं, तो हम उनको कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उनका नंबर किस तरह से किस बेस पे हम करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, अ नंबरिंग सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड टू डेजिग्नेट वेरियस रेफ्रिजरेंट्स। तो एक नंबरिंग सिस्टम हमने दी हुई है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम हर जगह कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करते हैं जिससे कि हमें समझने में आसान हो कि ये किस कैटेगरी का किस क्लास का रेफ्रिजरेंट है। फ्रॉम द नंबर वन कैन गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट, इट्स केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर वेट एटसेट्रा। ऑल रेफ्रिजरेंट्स आर डेजिग्नेटेड बाय आर फॉलोड बाय यूनिक नंबर। तो कोई भी रेफ्रिजरेंट होगा ये कंपल्सरी है कि वो उसका फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो आर होगा, इट स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेंट। उसके बाद उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं। तो जो सबसे कॉमनली यूज है या सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फुली सैचुरेटेड हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स। तो जो इस तरह के फुली सैचुरेटेड हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज रेफ्रिजरेंट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कलाइन्स। तो ये आप देखेंगे ये सारे जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं ये एल्कलाइन से डिराइव्ड हैं, जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सच एज मीथेन, इथेन एटसेट्रा। ठीक है, दीज रेफ्रिजरेंट्स आर डेजिग्नेटेड बाय R, X, Y, Z। तो देखिए कोई भी इस तरीके का इस कैटेगरी का रेफ्रिजरेंट होगा उसके आगे R लिखा होगा और तीन नंबर्स होंगे 1, 2, 3 यानी X, Y, Z। वेयर, अब X क्या होगा सबसे पहला, तो X+1 इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन। तो जो भी X है वो क्या है, दिस इज एक्चुअली X+1 और ये बताएगा उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं। इसी तरह से जो Y है दैट विल सिग्निफाई Y-1 इंडिकेट द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो भी नंबर है उसमें हम -1 कर देंगे तो हमें हाइड्रोकार्बन के एटम मिल जाएंगे। इसी तरह से जो जेड है उसको हम एज इट इज लेते हैं और वो इंडिकेट करता है हमारे पास फ्लोरीन के एटम्स कितने हैं। तो जो भी नंबर फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमें कार्बन मिल जाएगा, एक माइनस कर देंगे सेकंड नंबर वाले में से तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, और जेड जो है वो एज इट इज शो करता है फ्लोरीन के कितने एटम है। ठीक है, द बैलेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो इनके अलावा जितने टोटल थे, मान लीजिए यहाँ पर CH4 है तो 4 होने चाहिए, तो 4 में से जब हम इन सबको घटाएंगे तो जो बचेगा वो हमें बताएगा कि क्लोरीन के एटम कितने हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि हमने यहाँ नहीं लिया है कार्बन लिया है हाइड्रोजन और फ्लोरीन लिया है, तो जो बचेगा टोटल में से उसको हम बोलेंगे क्लोरीन के एटम। ठीक है, ओनली 2 डिजिट जो होंगे वो इंडिकेट करते हैं वाई और जेड को। यदि कोई भी आर, मान लीजिए R22 है, इसमें 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मान के चलिए कि एक्स जो है वो 0 है इसके अंदर में। एक्स का मतलब जो फर्स्ट फिगर है और वो डेजिग्नेट कर रहा था कार्बन को, तो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। ये मान लीजिए R22 है, इसका मतलब है ये एक्चुअली R022 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, यदि हम इस एग्जांपल को समझें R22 का, तो x की वैल्यू हो गई 0, बिकॉज जो हमने बात करी 3 में से फर्स्ट पोजीशन को आप 0 मानेंगे यदि नहीं लिखा हुआ है, तो x 0 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा कार्बन का जो नंबर होता है वो होता है X+1। तो ये हो गया 0+1=1, यानी कि आपके पास कार्बन का एक ही एटम होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं मीथेन के अंदर में सी, एक ही सी है, तो जो भी वैल्यू है उसमें आपको प्लस वन करना है, एक्स प्लस वन आपको इंडिकेट करेगा कार्बन के नंबर्स को। तो यहाँ पर सी सिंगल हो गया इस तरीके से। इसी तरह से वाई, यानी दूसरे नंबर पर 2 लिखा हुआ है और वाई में हमने क्या करना है, वाई माइनस वन करना है, तो जो भी वाई की वैल्यू है यानी यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो आएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर निकालने के लिए हमने 2 - 1 किया है, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम हुए, 1 एटम हुए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सी हो गया है और हाइड्रोजन का एक एटम हो चुका है। इसी तरह से जेड जो होता है वो थर्ड नंबर को डिजिग्नेट करता है, तो यहाँ जेड की वैल्यू 2 है और 2 में हम कोई चेंज नहीं करते, यहाँ पर ऊपर देखिए 2 जैसा है वो का वही नंबर फ्लोरीन का होता है, तो 2 नंबर है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने हैं, एज इट इज 2 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एटम में कि 2 फ्लोरीन के एटम्स इसमें लगे हुए हैं, बॉन्डेड है। ठीक है, तो द बैलेंस कितना है, 4 है आपके पास, यहाँ पर अभी हमने देखी थी कि 4 वैलेंसी है, तो द बैलेंस माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन, आपको 2 के ही नंबर ऐड करने हैं, किसका, हाइड्रोजन का, ये आपको दिख रहा है और फ्लोरीन का, इनका जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोरीन के एटम आएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 आपके पास टोटल है, माइनस एच और एफ, एच की वैल्यू थी हमारे पास 1, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 लिखा है और फ्लोरीन की वैल्यू थी 2, तो आपके पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी 4 माइनस ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 - 1 - 2, ये आपको मिलेगा 1। तो ये जो 1 आएगा ये किसकी वैल्यू बताएगा आपको, क्लोरीन एटम की। तो दिस विल योर क्लोरीन एटम, तो एक क्लोरीन एटम है इसके अंदर में,
तो हम यदि वापस से इसको देखें तो ये कार्बन एक आ गया, हाइड्रोजन एक आ गया, दो फ्लोरीन आ गया और एक क्लोरीन आ गया है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CHClF2, ठीक है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है R22 का। तो इसी तरीके से आप और भी सारे कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं। जैसे R12 के लिए आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा CCl2F2, तो आप इसको करके देखिएगा खुद से क्या आपको दिक्कत आ रही है, नहीं तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा या कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से R134a है, इसमें आप देखेंगे तो C2 मिलेंगे, HK2 मिलेंगे, FK4 मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इथेन। तो दिस इज हाउ वी डेजिग्नेट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सो यही आपके पास कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यदि हम दूसरा बात करें इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की, तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की खास बात होती है दैट दीज आर डेजिग्नेटेड बाय नंबर 7 फॉलोड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कोई भी यदि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है तो हमेशा R7 लिखा जाएगा और उसके बाद उसका क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो अमोनिया यदि हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, तो हम इसको कैसे बताएंगे, R7 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर 7 होता है और मॉलिक्यूलर वेट उसके बाद लिखा जाएगा। तो यदि अमोनिया का हम डेजिग्नेशन लिखेंगे तो R717 लिखेंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो यदि इस रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो हम इसको R7 अगेन वापस से प्रीफिक्स आ जाएगा ऊपर से और 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तो इसका नाम बनेगा R744। इसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो इसका जो डेजिग्नेशन बनेगा R718, 7 ऊपर से आ गया और 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रेफ्रिजरेंट को देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा रेफ्रिजरेंट है। मान लीजिए कोई अननोन रेफ्रिजरेंट आपको दे दिया जाए R752, तो आपको पता होना चाहिए कि 52 मॉलिक्यूलर वेट किसका है, तो आप उससे तुरंत पता लगा लेंगे कि ये कोई इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 52 है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस डेजिग्नेशन पोर्शन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।